भारत जैसे देश में एक बेटी होना बहुत ही बड़ा अपराध है। नमस्कार, मैं ऋतु परियार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल JH24 न्यूज में। और ये बात सुनने में आपको कड़वी जरूर लगी होगी कि इस देश में बेटी होना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जिस तरीके से रेप केसेस, जिस तरीके से ये हैवानियत की घटनाएं और जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आते हैं, मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इस देश में एक बेटी होना बहुत ही बड़ा अपराध है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर हम बेटियां हैं, अगर हम एक औरत है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो आपकी सोच की और आपकी समझ की। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। #JusticeForJyoti ये जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ट्विटर पे, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये जो ज्योति नामक लड़की है, ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले अपने पापा को दिल्ली से साइकिल पे बिठाकर अपने गांव लेकर गई थी, जिसकी तारीफ ट्रंप की बेटी ने भी की थी, जिनको हम लोग साइकिल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो रेप केस है, ये उनके साथ नहीं हुआ है। ये एक्चुअली नाम सेम होने की वजह से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये रेप केस एक ज्योति नाम की लड़की, 12 वर्ष की लड़की के साथ हुआ है। लेकिन रेप केस किसी के भी साथ हो, जस्टिस हर किसी के लिए होना चाहिए। तो 12 साल की इस लड़की के साथ रेप केस हुआ है पतौर गांव में, और 3 लोगों की ये साजिश है, जिसमें अर्जुन, उसकी बीवी और एक और व्यक्ति ने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। ये लड़की एक्चुअली आम के खेत में आम चुनने गई थी, और उसके बाद ये सब घटना उसके साथ घट जाती है। बड़ी ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अपनी लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है उनके लिए। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसी जगह से आप लोग डरते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक 12 साल की लड़की जिसे कुछ पता नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इन दरिंदों को क्या लगता है, इनके दिमाग में क्या चलता है। बहुत ही शर्मनाक घटना है, लेकिन अगर हम और अगर आप चाहे तो इन सबको बदल सकते हैं। आपकी सोच बदलिए, आपके नज़रियों को बदलिए, क्योंकि एक लड़की होना अपराध नहीं है। अगर हम लड़कियां हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो आपकी ही सोच की। और मैं आशा करती हूँ कि हम पॉजिटिव खबरों की ओर चले, ऐसी नेगेटिव खबरों की ओर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया केस हुआ था, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक 12 साल की लड़की, कोई कैसे उसके साथ कुछ कर सकता है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। और न जाने कितनी ऐसी ज्योति है जो गुमनाम है, जो लोगों के डर से कभी सामने नहीं आती है, लेकिन आपको खुलकर बोलना चाहिए। क्योंकि अगर एक रेपिस्ट की गलती होती है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके साथ रेप होता है। तो मैं यही आशा करती हूँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा आप अच्छा सोचिए, आपकी सोच बदलिए, क्योंकि अगर आप सोच बदलेंगे तो सब बदल सकता है। धन्यवाद, यूं ही हमारे साथ बने रहिए JH24।